हरावीरी लीलाधारी माँ जी का बोल साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। कैमरा में सेव कैमरा लो। हाँ जी, बेटी की शादी है तो राधे माँ जी अपना चोला दे रहे हैं आशीर्वाद में बेटी को। राधे मैया की जय। जय करा कृपा करने वाली मैया जी दा बोल सते दरबार की जय। इस शुभ अवसर पर दीपावली के शुभ अवसर पर तमाम भक्त आए हुए हैं आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों? मैं यही कहना चाहूँगी कि दिवाली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और इस दिन भगवान रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या वापस आए और अयोध्या वासियों ने घर घर दिए जलाए, और आज के दिन पूरा देश बहुत खुश है, सबने दिए जलाए घर घर, हर मंदिर में हर घर में दिए जल रहे हैं, और राम जी की कृपा से मैंने भी दिए जलाए और भगत जन बहुत खुशी से आ रहे हैं। और रामायण हमें ये सिखाती है कि भगवान राम ने माता का हुक्म मान के, एक बार में हुक्म मान के उन्होंने वनवास चले गए, और उन्होंने अपने संसार के लिए, जगत के लिए उन्होंने दानवों का वध किया, और उन्होंने रावण को नहीं मारा, उन्होंने अहंकार को मारा, उन्होंने हमारे अंदर की मैं को मारा। रावण चार वेद जानता था, उन्होंने रावण ने राम जी के हाथों से जानबूझ के मुक्ति प्राप्त करनी थी, इसलिए वो चाहता था कि मेरा वध, मेरी मुक्ति राम जी के हाथों में हो। इसलिए भगवान राम, वो रावण चारों वेदों का ज्ञानी था, इसलिए रावण बहुत ज्ञानी था, तो राम जी को, राम जी ने उनको मुक्ति दी, क्योंकि उनके हृदय में सीता माता और राम जी थे। और भगवान रामचंद्र, रामायण हमें ये बताती है कि बड़े भाई के साथ छोटे भाई ने भी त्याग दे दिया परिवार का, और उनके साथ चले गए, और भाभी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो भी साथ गए, ऐसा रामायण बताती है। पर मैं आज एक दिल की बात और बताना चाहती हूँ मीडिया के सामने कि मैं बचपन से, मुझे शौक़ है, ये बात गुरबाणी की है, मैं सिर पे दुपट्टा लेके कहूँगी लिया, बचपन से मेरे को सेवा का शौक था, तो मैं बचपन से सेवा करती आई हूँ, तो मैं पूरा कठिनाइयों को भी सामना किया और परवाह नहीं की, टेंशन नहीं ली, क्योंकि जब हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं ना तो फिर कोई टेंशन नहीं, जब हम अपने पे लेते हैं ना कि हम कर लेंगे तो टेंशन नहीं। एक मेरे गुरु हैं, उनका भी जरूर फोटो खींचा जाए, 130,000 के परमहंस रामादीन दास, जिनसे मैंने
गुरु मंत्र लिया। मैं पूरा मुकेरियां से लेके पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हर जगह से चलते हुए मुंबई पहुंची। फिर जब मैं मुंबई में आई तो मेरे भक्तों पे पूना में कृपा हुई। उसका नाम है मनोज अग्रवाल और आशीष अग्रवाल। उन्होंने मैंने कोई भी आश्रम या कोई मंदिर नहीं बनाए, मैं सेवा ही करती रही, क्योंकि मैंने गुरबाणी पढ़ी है, तो सेवा कर संसार दी, कर बंदगी सिरजनहार दी। गुरबाणी में लिखा है तू सेवा करते जा संसार दी, कर बंदगी सिरजनहार दी। जब हम सच्चे मन से निस्वार्थ परमात्मा की सेवा करते हैं, निस्वार्थ परमात्मा की बंदगी करते हैं, हम उस पर छोड़ देते हैं, हम कुछ नहीं सोचते, तो वो हमारी अपने आप सोचता है। इसलिए मैंने अपने बच्चों का नहीं सोचा, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं सेवा करती गई सच्चे मन से संसार की और उसका सिमरन करती गई। तो मेरी लाइफ में आए पूना वाले भक्त मनोज अग्रवाल और आशीष अग्रवाल, जिनकी बहन इधर खड़ी है कविता, सामने आओ। तो उन्होंने ये पहले जगह खरीदी, फिर उसके बाद 10 साल लगे उनको ये राधे माँ भवन उन्होंने बनाया, जिस मेरे बच्चों के लिए। तो यहाँ मैं रह रही हूँ, वो भी मैंने अपने लिए नहीं बनाया, मैं बच्चों के लिए रह रही हूँ। और ना मैं कोई भवन बनाऊँगी, मुझे कोई प्रॉपर्टी का शौक नहीं, कोई पैसा नहीं शौक, जो चढ़ावा चढ़ेगा वो जनता के लिए जाएगा, मेरे बच्चे भी जो कमाएंगे वो भी चैरिटी में जाएगा। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माय प्रभु, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कोई शौक नहीं। हाँ, जो मेरे साथ हुआ है, फरीदा बुरे दा भी भला कर, गुस्सा मन ना हंडा, मैं भी चाहती हूँ कि भगवान मेरी सच्चाई सामने लाएं सबके, कि जो मैंने नहीं किया वो सामने आया है, जो मैंने नहीं भी किया तो वो जिसको जिसने 5 लाख मांगा उसको नहीं दिया तो उन्होंने मुझे, चलो मैं उनको भी नहीं कहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हे राम, आज आपका दिन है, आज मुझे भी विजयी भव करो, कि मेरी भी आत्मा शांत हो, कि मैंने एक ऑनेस्टली सब कुछ किया है, किसी को कभी दगाबाजी नहीं की, सच्चे मन से प्यार किया सबको, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, ये मेरी भी दुहाई आज श्री राम जी के चरणों में। राधे माँ, बहुत जोर शोर से ये मनाया जाता है कि दूज भी आने वाला है, उस पर कुछ आप आशीर्वाद देना चाहेंगे लोगों को? मैं बोल नहीं पाऊंगी। स्टॉप, बंद कर दीजिए कैमरा, बंद कर दीजिए कैमरा, बंद